ऐसे महापुरुष देखे गए जो शांत हैं, सौम्य हैं, सहज हैं, स्थिर हैं, विचलित नहीं होते। उन्हें कुछ दिखता कभी नहीं दिखता, वो सुनते कभी नहीं सुनते, कभी बोलते कभी नहीं बोलते, बोलेंगे तो सार्थक बोलेंगे। ऐसे वो उसको जड़ भरत कहा गया, जड़ है ये जड़। ऐसे परिजनों ने भी त्याग दिया, परिजनों को, पुरजन बंधु बांधवों को, मित्रों को और परिवार के लोगों को वही ज्यादा अच्छा लगता है जो ज्यादा कमा के लाए। जिसके पास धन नहीं है उसका आदर घटता तो रहता है। अब अधिक संसारी हैं ज्यादा जानते होंगे, परिवार में जिनके पास धन का अभाव है, उच्च पद प्रतिष्ठित नहीं है, जिनके पास बड़े पद नहीं, प्रतिष्ठित नहीं है, अथवा अर्थ का अभाव या बेचारे साधनहीन है, तो जो साधनहीन अथवा जो अभाव ग्रसित प्राणी है प्राय समाज में उनके लिए उतना आदर नहीं है जितना साधन संपन्न व्यक्ति के लिए है। इसलिए वो तो देखने में तो साधनहीन ही दिख रहे थे, पर उनको किसी को नहीं मालूम था कि साध्य इसी के पास है। ये साधन साध्य की प्राप्ति के लिए है। इसलिए जंगल में निकल गए आत्माराम भरत, जड़ भरत ज्ञानी। और याद करने लगे कि मैं मृग बना, मैं महात्मा भरत, मैं राजा भरत। कभी अपनी स्टोरी याद करके देखो, कभी बहुत अधिक गंभीर होकर एक दिन जब से भी आपको याद आता हो स्टोरी बनाइए अपनी, बढ़िया सी कहानी बनाओ। कब पैदा हुए, कब आंख खुली, कब कब क्या घटनाएं हुई, क्या अच्छा किया, क्या अच्छा नहीं किया, किन के हित में खड़े हो गए, किन का अहित किया, कौन समर्थन में आए, कौन दूर चले गए, कब क्या दे सकते थे नहीं दे पाए, कब कब चूक गए, कौन से अवसर चूक गए, विद्या अध्ययन कर सकते थे नहीं कर पाए, पढ़ सकते थे नहीं पढ़ पाए, ध्यान लगा सकते थे नहीं लगा पाए, गीता पढ़ सकते थे नहीं पढ़ पाए, अच्छे गीत कहानी कविताओं का सृजन रचना कर सकते थे नहीं कर पाए, उलझे ज्यादा रहे सुलझे कम, अटके और भटके ज्यादा रहे शांत नहीं रह पाए। स्टोरी लिखी है ना, बताना मत किसी को, मत लिखो, याद तो कर लो। गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते थे, मेरे गुरु ने एक बहुत अच्छी बात कही। गुरुदेव कहते थे कि अपनी कहानी मत बनाओ, अपने किस्से मत बनाओ, अपने जीवन को चुटकुला मत बनाइए, जोक मत बनाइए। आपने जो अपने जीवन को जोक बनाया है, जो चुटकुला बनाया है, जो किस्सा बनाया आपने अपना, जो कहानी गढ़ी है आपने अपने जीवन की, इससे हटकर जीवन को कथा बनाओ, कथा के लोग याद करें आपको, आदर्श बनिए, उच्च आदर्श, रोल मॉडलिंग कीजिए, आपको याद करें लोग, आदर्श बनिए। आदर्श कब बनेंगे, जब कोई आदर्श होगा जीवन में। अगर कोई उच्च आदर्श ही नहीं है जीवन में तो आदर्श कैसे बनेगा जीवन। तो याद रखना, ये लिखिए कहीं अपनी जगह, आदर्शों का अभाव जीवन में न रहे, ऊंचाइयों की कमी जीवन में न रहे, ऊंचे मूल्यों का अभाव जीवन में न रहे। अगर जीवन में ऊंचे मूल्य हैं, उच्च आदर्श है, कोई बहुत बड़ा रोल मॉडल, कोई बड़ा आदर्श आपके जीवन में है तो उसी के अनुरूप चलोगे। और चूंकि हम डकलची हैं, जानते हो हम कौन है, अनुसरण करने वाले प्राणी, अनुगमन करने वाले प्राणी, गतानुगत को लोकः, शास्त्र ऐसा कहता, हम प्राय सारे मनुष्य ऐसे हैं, एक दूसरे का अनुसरण कर रहे हैं, एक दूसरे का अनुगमन कर रहे हैं, एक दूसरे का अनुशीलन कर रहे हैं हम जीवन में उच्च आदर्श। तो अगर स्टोरी लिखने बैठ गए अपनी तो क्या लिखोगे, एक किस्सा भर, एक अदद कहानी का टुकड़ा स्टोरी बनाएंगे हम। नहीं नहीं, लाइफ को स्टोरी मत बनने देना, स्टॉप कीजिए अभी से, अब जीवन कहानी और किस्सा नहीं है, अब जीवन को
कथा बनाइए, जीवन को आदर्श बनाइए। और अगर जीवन आदर्श बन गया, जीवन में ऊंचे मूल्य आए, गौरव की अनुभूति होगी।